जा रहे हो। सो एट द सेम टाइम मैंने बशरत की किताब पढ़ी थी, कर्फ्यू नाइट। इनफैक्ट मैंने नहीं पढ़ी थी, रेखा ने पढ़ी थी और रेखा ने पढ़ के मुझे दी थी। तो मुझे लगा कि जो हेमलेट का जो फैमिली ड्रामा है, बिकॉज हेमलेट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस फैमिली वेयर यू नो द फादर हैज बीन किल्ड एंड एवरीवन नोज अबाउट द स्टोरी। सो इट्स दैट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आई नीडेड अ बैकड्रॉप लाइक आई हैड इन मकबूल द अंडरवर्ल्ड एंड ओमकारा द यूपी वेस्टर्न यूपी पॉलिटिक्स। दैट्स हाउ आई वाज लुकिंग फॉर अ बैकड्रॉप व्हिच सूटेड माय हैदर। आपने पूछने में इतनी देर क्यों की, पहले ये बताइए। वो पहले उनका सवाल तो होने दीजिए कि केके और इरफान, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री, और केके के साथ में बहुत वक्त से काम करना चाहता हूं। केके के साथ मैं बहुत ही वक्त से काम करना चाहता था, कभी ऐसा बानक नहीं बन पाए कि मैं उनके साथ काम कर पाया। आई एम सो फॉर्चुनेट कि केके ने इस बार मेरे साथ काम किया। एंड केके एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन अबाउट दैट नेगेटिविटी केके शुड हैव आस्क्ड बिकॉज केके इज प्लेइंग द क्लॉडियस। देखिए मैं कॉन्फ्लिक्ट में मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ड्रामा नहीं है, और ड्रामा नहीं है तो थिएटर नहीं है, सिनेमा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब दो इंसान स्क्रीन पर आते हैं तो अगर वो रिलेशनशिप नहीं बनती है, हमको वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वो बड़ा बोरिंग हो जाता है मामला। तो वी आर यूज्ड टू सिंगल पीपल शोइंग ऑफ ऑन स्क्रीन, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट व्हेन यू एक्चुअली सी सिनेमा और ड्रामा इन थिएटर, यू नीड टू सी दैट रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप इज ऑलवेज बॉर्न आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। So that's what I believe. And apart from that, of course, the industry sees always a negative in me, so I enjoy playing it. They see the evil in me, so I keep the good for life and the evil for cinema. Hello? What is the second fiddle? I know fiddler on the roof. I don't know about... No, but to who? You have to give a reference to what... हीना फ्रॉम P7 न्यूज। नेगेटिविटी की बात हो रही है, श्रद्धा मैं जानना चाहूंगी, पिछले दो फिल्मों से आप अपने हीरो को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करने में रह गई, इस बार इस फिल्म में आपके हीरो का स्टेटस क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड रियली रियली होप यू एंजॉयड द प्रोमो। पर ये काम मुझे सौंप दिया गया है एक्चुअली। आई थिंक ये इत्तेफाक है कि इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर है। इस फिल्म में कोई अलग समस्या है, वो आप फिल्म देखोगी तो आपको पता चलेगा। हाय हाय, स्टेटस का नहीं बोला, सो अनमैरिड एंड सो डेड एंड कॉन्फ्लिक्टेड। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक है, मैं ओए फिल्म से हूँ। सवाल मेरा आप सभी से है कि हैदर के अब्बा बोलते हैं ट्रेलर में, हमने देखा कि दोनों आंखों में गोलियां मारना, तो कुछ अपने अंदर आपके अगर कोई चीज को विनाश करना हो या खत्म करना हो तो आप पांचों क्या करना चाहेंगे? शायद आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। हाय, आप कहां? पहले तो आप दिखे। मैं सर आपके लेफ्ट में हूं। या ओके ओके। हाय, मतलब क्या खत्म करना, मतलब खुद के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात हो रही थी। आपके हाथ से माइक सबसे पहले छीनना चाहता हूँ मैं। ये करना चाहूंगा मैं, विनाश। शायद अगर शायद श्रद्धा के